हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी हो रहे हैं इवनिंग के 5:30-6 बजे करीब हो रहे हैं। और अभी भी जस्ट बारिश हुआ है। इतना ज़्यादा बारिश हुआ ना कि क्या ही बताऊँ। मौसम फिर से धूप जैसा हो गया। मौसम को कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कब बारिश हो जाए, कब मौसम नॉर्मल हो जाए, कोई नहीं कह सकता। जी मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा से अभी का मौसम कितना झमाझम बारिश हुई है। सर पानी भर गया। फिर से हल्की हल्की धूप आ गई है। आ गया हमारे घर भी हर घर तिरंगा। तो ये विशाल हर रूम तिरंगा करेंगे। 2 लाए हैं हर घर तिरंगा का, ये हर रूम तिरंगा बनाएंगे। भाइयों बहनों 2 लाए हैं। हाँ ये देखिए, ये 1 रूम तिरंगा, ये 2 रूम तिरंगा, ये 2 रूम तिरंगा करेंगे। तो बस तो जैसा कि मोदी जी का द्वारा कैंपेन चलाया जा रहा है, हर घर तिरंगा। तो भाई साहब है मैच में होंगे। तो गाइस आ चुके हैं विशाल और उनको चाहिए कुछ नाश्ता। तो मैं बना रही हूँ अभी क्या है, देख रहे हैं गाइड आप लोग। गाइड मम्मी लाइक ही नहीं करती तो क्या करो, निकलो यहाँ से। पीछे ही नहीं आते हैं। इस गाने का तात्पर्य आप अपने से क्यों लिए? बोलते बोलते बेचारे और बोल नहीं पाए। क्या नहीं बोल पाए कि हमने गाया काहे को, ये बोलना था। मैंने तो बस गाना गाया, आप उसका मतलब निकालने लगे। मैं बोलती हूँ शॉपिंग, तो इसका मतलब निकालिए, ले चलिए शॉपिंग से। ये हमारा यूपी। मुझे मैगी नहीं पसंद है, मुझे यूपी पसंद है। और मेरा ऐसा है ना कि मुझे कैसा मैगी पसंद है। बचपन से ही स्कूल कॉलेज सब टाइम से ठंडी मैगी खाने की आदत हुई है। इतना गंदा वाला ना कि मुझे आज तक ठंडी मैगी ही पसंद है। अब स्कूल टाइम क्या होता था, मॉर्निंग में मैं बना कर देती थी और लंच टाइम तक वो एकदम ठंडी जम जाती थी, थक्के वाली मैगी। बट मैगी तो मैगी होती है भाई, कैसा भी रहे, खाना खाने का मजा ही अलग रहता था। तो वही हो गया है ना, मुझे ऐसे थक्के वाली मैगी ही अब अच्छी लगती है, ठंडी मैगी बोला जाए तो। एक होती है पहाड़ों वाली मैगी, एक होती है स्कूल वाली मैगी। या मुझे स्कूल वाली मैगी पसंद है, ठंडी जमी हुई। विशाल का फेवरेट पानी वाला मैगी बन चुका है। चम्मच लेके आओ, ये खाली पीते नहीं, खाते नहीं है, खा के पीते हैं या पी के खाते हैं। सो ही गाइस, हम लोग आ चुके हैं अब किचन में। तो मैं बना रही हूँ मस्त एकदम पंजाबी कढ़ी। आज मैं पंजाबी कढ़ी बना रही हूँ, बड़ी वाला ही रहेगा लेकिन बट ये कढ़ी पूरा पंजाबी तरह से बनाया हुआ है। अलग से धनिया वाला तड़का, कस्तूरी मेथी ये सब डालकर, और साथ में था आलू का भुजिया और पकौड़ा चावल। तो मेरा फेवरेट खाना आज बना रही थी मैं। तो चलिए। सो गाइस कोऑपरेशन मांगा गया था भाई साहब मुझे कल वीडियो बनाने में, और मुझे लगा लिया एक धंधे। तो हस्बैंड जी को ऑफिस से आते ही लगा दिया घर के कामों में, दोनों जगह। तो 3 दिन की छुट्टी है तो 3 दिन की सैलरी कैसे मिलेगा? घर पे काम करके घर पे काम करके मिलेगा। 3 दिन की छुट्टी भाई साहब अकेले थोड़ी ना एंजॉय करेंगे, हमको भी तो एंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए। क्या हो गया? सो ये गाइस, मेरा लग चुका है खाना। मैंने बना लिया ऑब्वियसली बात, तभी खाना लग चुका है। चलिए हम लोग चलते हैं इसको एंजॉय करने। मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा से कितना टेस्टी बनाया आज कढ़ी। आज मैंने बनाया पंजाबी कढ़ी, उस दिन बनाया था बिहारी कढ़ी। आज मैंने बनाया पंजाबी कढ़ी, बड़ी भुजिया, पकौड़ा, सैलेड, सब कुछ है। चलिए मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से। गाइस मेरा लग चुका है टेस्टी सा डिनर। और मॉर्निंग में विशाल लंच में चावल रोटी लेकर, दैट्स वाई कि अभी चावल बनना था, मैंने लगा लिया है। अब विशाल कर रहे हैं इधर वीडियो एडिट, यहाँ पे खड़े होकर आराम से, क्योंकि नेट नहीं चल रहा है। पता नहीं क्यों कभी कभी नेट का इतना ज़्यादा इशू हो जाता है। सो गाइस कुछ नहीं करना चाहते हैं, बस ऐसे आते हैं हम लोग, खाना लेके मैं आऊँगी और बैठ जाएंगे। यार कम से कम पानी का बॉटल भी तो ले आया करिए। एकदम जैसे लगता है कि कुछ सुनाई नहीं देता है, जैसे इग्नोर। कंसंट्रेट ऑन पनीर गाइस। तो बना तो है कड़ी, तो पनीर कहाँ से आ गया? फेमस ब्रॉयलर फ्रॉम 3 इडियट्स। और इधर मैंने बोला था इसे चलाने के लिए, चला ही नहीं रहा था। चलिए हम भी कंसंट्रेट कर लेते हैं क्योंकि नॉट पनीर, ये मेरा फेवरेट कड़ी।